हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो डूइंग गुड। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ टू मैनेज स्टडीज़ विद द हाउस होल्ड कोर्स। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो जॉब भी कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके ऊपर उनके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो वो सिर्फ पढ़ 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 के तो अपना काम चला नहीं सकते, इसलिए वो जॉब भी करते हैं। एंड जॉब से आने के बाद फिर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, हर टाइम मोटिवेशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होता है, एंड स्पेशली तो वुमेंस। एक बार अगर हम बॉयज़ का देखें, अगर वो जॉब भी कर रहे हैं, आके प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है। बट वुमेंस मतलब जॉब पे गई हैं, जॉब से आने के बाद थोड़ा घर का भी देखा, लाइक इफ़ दे आर हैविंग देयर फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लस अपनी स्टडीज़ भी देखनी है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी ना बहुत टिपिकल हो जाती है मैनेज करना। बट आज मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हुई ना कि जिसके बाद मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ कि नहीं यार, डिफ़िकल्ट देखो कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमारे करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। सो आज ना मैं उठी, शार लिया मैंने, एंड अपने स्टडी रूम में आके मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं करती हूँ। एंड मेरा क्या है ना कि मैं मतलब मुझे ऐसा कुछ घर का काम करना नहीं होता है, ऐसे मेरे फैमिली में ऐसा कुछ प्रेशर भी नहीं कि खाना बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं। पढ़ाई में पूरा फोकस बस ये कहा जाता है। सो आज ना मैं पढ़ने से मेरा भाई आया, उसने कहा कि मम्मी को फीवर है और आपको आज थोड़ा खाना बनाना पड़ेगा, सारा काम भी करना पड़ेगा। तो आई वॉज़ लाइक उफ़, मेरी पढ़ाई ना मिस हो जाए, मेरी भाई थोड़ी सी डिसबैलेंस ना हो जाए, क्योंकि मैंने जो जो टारगेट बनाए थे वो मैं कंप्लीट कर लूँ। बट लेट मी टेल यू, एक बार भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूँगी। मुझे मतलब ये लगा ना कि मैंने इसे एज अ चैलेंज लिया, एंड मैंने सोचा नहीं होगा, चलो करते हैं। और सच में मैंने स्टार्ट किया, सुबह भी खाना बनाया, रात में भी बनाया, और कब वो दिन चला गया, मतलब पढ़ते हुए भी काम करना ही नहीं चला, सब कुछ ईजिली फिनिश हो गया। सो बस सब हमारे ऊपर है, हम किस स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों को करते हैं। लाइक मैं एक एक चीज़ पढ़ रही थी, जैसे 4 पेजेस 5 पेजेस रीड कर लिया, फिर जाके कुछ काम करके आई, फिर आगे दोबारा लेक्चर देखा, फिर गई कुछ काम किया। ऐसे ही मैं पढ़ रही थी, एंड उसके बाद आके मैंने खाना बना लिया था, लंच बना प्रिपेयर कर लिया था, इसके बाद जाके मैंने फिर अपने नोट्स बनाने शुरू किए। तो ऐसे करके मैंने चीज़ें मैनेज कर ली थी। शुरुआत में लगता है कि कैसे होगा, बट जब हम उसमें एंटर कर जाते हैं ना, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी चीज़ों किचन का खाना बनाना ही हो, घर का खाना बनाना ही हो, सबके लिए उसमें भी आप एंटर कर जाओगे ना, तो वो चीज़ें कब स्मूथली हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। द थिंग दैट मैटर्स इज़ ओनली योर टाइम मैनेजमेंट एंड योर स्ट्रैटेजी। अगर आप घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हो एंड जॉब नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, सिंपली इफ़ यू आर ए स्टूडेंट एंड आपको स्टडी भी करनी है एंड घर के काम भी करने हैं, तो आप सिंपली मैनेज कर सकते हो। काम करने में हार्डली 2 आवर्स या 3 आवर्स ही लगते हैं। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि अगर आप 24 आवर्स में से 2 आवर्स छोड़ो, 3 और 4 आवर्स दे दोगे, तो भी आपके पास 20 आवर्स हैं, उसमें आपने पढ़ाई कर सकते हो और अपने जो पर्सनल काम होते हैं वो कर सकते हो, लाइक जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पढ़ाई के लिए भी आप 6 से 8 घंटा ईजिली निकाल सकते हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और आप घर के काम भी करते हो तो। एंड इफ़ यू आर अ यू नो पर्सन हु इज़ डूइंग जॉब एंड प्लस मैनेजिंग देयर स्टडीज़, तो भी आप ईजिली मैनेज कर सकते हो। लाइक आप ट्रैवल तो करते ही हो, आते टाइम जाते टाइम, अपने ऑफिस और ऑफिस से घर आते टाइम, तो आपका वो जो टाइम होता है ना ट्रैवलिंग का, उसमें आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हो फॉर रिविज़न। ये जो लाइन है ना कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इट्स वेरी ट्रू फ्रेंड्स। बस ज़रूरत है तो हम, तो हमारी माइंड की लिमिटेशंस है ना, उसे कम करने की, उसे एकदम से मिटाने की। जैसे स्टार्टिंग में मैं भी डर गई थी कि अरे कैसे करूँगी अब घर का काम भी पढ़ाई भी, बट मैंने इसे एज अ चैलेंज लिया एंड मैं इसे बखूबा सकी। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।